الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

जैसा कि आप जानते हैं कि नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है मुहर्रम हराम उसका पहला महीना है जैसा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम दुआओं की बात करते हैं दुआओं के माना मफहम को ज़िक्र किया जाता है को बयान किया जाता है चुनाचे आज हसब दस्तूर दुआ को भी बयान किया जाएगा और किस तरह हम नए इस्लामी साल को इस्तबाल करने वाले बन जाएं कैसे हम नए इस्लामी साल का इस्तेबाल करें और कैसे हम वक्त गुजारें ताकि हमारा हर हर लम्हा कीमती बन जाए कि राम हर मौके की दुआएँ नबी करीम वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई हैं इसी तरह सहाबा कर में ये मुरवज था और ये दस्तूर था कि वो नए साल के मौक़े पर एक दुआ एक दूसरे को सिखाते थे कुतुब हदीस में वो दुआ मिलती है उस दुआ को हम पढ़ लेते हैं और उसके माना मफहूम को भी ज़िक्र कर देते हैं अल्लाह करे ये नया साल हमारे लिए बरक़त का अतात का ख़ैर का ज़रिया बने दाई अल्लाद ख़िल हो बिल वलिमान वल वस्लामाम व रजवान रहमान व जवार शैतान ये दुआ किया करते थे एक दूसरे को बतलाया करते थे जिसका मतलब ये है कि अल्लाह इस नए साल को हमारी ज़िंदगी में इस तरह दाखिल कर इस तरह हमें ये नया साल हमारी ज़िंदगी के अंदर आए कि इसके अंदर अमन हो नए साल के अंदर अमन सुकून राहत आराम और ख़ुशियाँ हमें नसीब हों और ईमान तेरे ऊपर यकीन ये हमें हासिल हो बिस सलामती व इस्लाम ये नया साल सलामती वाला हो हर किस्म की परेशानी हर किस्म के दुख हर किस्म की तकलीफ़ से हमारी हिफाज़त हो वल इस्लाम और इस्लाम के जितने अहकाम हैं उनको हम पूरा करने वाले बन जाए बारी ताला इस नए साल को तेरी तरफ़ से रजामंदी का ऐलान भी हो और रजामंदी हमें हासिल हो तेरी रज़ा हमें हासिल हो रहमान और मिन शैतान इस नए साल के अंदर शैतान से शैतान के मकर फरेब से और उसकी चालों से हमारी हिफाज़त हो तो बड़ी अहम दुआ है इस दुआ को पढ़ना चाहिए साल के शुरू में जुई साल शुरू हो और अगर नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ें और असल मकसद ये है कि दुआ करने वाले बन जाएं अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाएं अल्लाह करे ये दुआ हमारे हक़ में और ये साल हमारे हक़ में बरक़त का और अतात का इस्लाम और सलामती का और अल्लाह ताला की ऱा का ज़रिया हो और शैतान के मकर वफरेब से हमारी हिफाज़त हो नाजरीन कराम इस्लामी साल शुरू हो चुका है क्या फ़र्क है इस्लामी साल में और ईसवी साल में? ईसवी साल जो दूसरा होता है जनवरी फरवरी के हिसाब से उसको ईसवी कहते हैं और इस्लामी साल मुहर्रम सफ़र क़िला शरीफ़ के अंदर अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के यहाँ अल्ला महीनों की तादाद बारह है इन इनादत शहूर यान दल्लातनाशर शहरन यौम ख़लक वल अर्थ जब से ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला, ताला ने बनाया है तो अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद वो बारह है उनमें से चार महीने हरमत वाले हैं अहतराम वाले हैं तो ये इस्लामी साल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इस्लामी साल और दूसरे साल में क्या फ़र्क है दोनों साल का मकसद साल के जो दोनों तरीक़े हैं और दोनों कैलेंडर हैं उनका मकसद ये है कि ताकि इंसान हिसाब किताब को शुमार करने वाले बन जाएं और अपने मामला को तय करें लेकिन इस्लामी साल ने एक बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ी रहनमाई भी हमें अता की वो क्या है जहाँ तक ताल्लुक़ है ईसवी साल का तो ईसवी साल एक वाक़े से शुरू होता है हज़रत ईसीलातलाम की पैदाइश से वो एक वाक़ है और बड़ा वाक़ है कि अल्लाह के पैगंबर की पैदाइश है और उस पैदाइश के बाद से काउंटिंग शुरू हुई है सालों की तो उस हिसाब से 2022 चल रहा है दो हज़ार साल से ज़्यादा गुज़र चुका है जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामी साल का इस्लामी साल की जो काउंटिंग शुरू हुई है वो किसी वाके से शुरू नहीं हुई है बल्कि वो एक अजीम अमल से शुरू हुई है जिसे हिजरत का अमल कहते हैं हज़रत फ़ारूक अज़म रज़ी अल्ला के दौर में जब मुसलमानों के मामलत और ज़्यादा फैले पूरी दुनिया के साथ ताल्लक़ात आगे बढ़ना शुरू हुए तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी ने उनसे अर्ज़ की कि आपके खतूत जाते हैं दूसरे लोगों के पास बहुत से मामला होते हैं तो वहाँ पर जो तारीख़ लिखना है वो बड़ी ज़रूरी है तो कौन सी तारीख़ हम लिखें इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई कैलेंडर बनाएं और साल को शुमार करें कि कौन से साल ये बात हुई है किस साल की ये बात की जा रही है ताकि तारीख़ हम लिख सकें तो सहाबा राम का आपस में मशवरा हुआ कि कैसे इस्लामी कैलेंडर बनाया जाए तो चार आरा आई हैं मशवरे की सूरत में चार राय सामने पेश हुई ओपिनियन सामने आए उनमें से एक ओपिनियन ये था कि इस्लामी कैलेंडर और सालों की गिनती नबी करीम अलैहि वसल्लम की विलादत बात के साल से शुरू की जाए आपकी पैदाइश जब हुई है तो उस साल से शुरू किया जाए यानी आपका पैदाइश का साल पहला साल और उसके बाद सालों की गिनती शुरू की जाए दूसरी राय ये आई कि जिस साल आपको नबूवत अता की गई तो उस साल से शुरू किया जाए वो भी बड़ा अहम तरीन वाक़ा है अज़ीम वाक़ है अल्लाह की तरफ से नबूवत आपको अता की गई चालीस साल की उम्र में तो वहाँ से साल की गिनती शुरू की जाए तीसरी राय ये आई कि जब नबी करीम अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से इस्लामी साल की गिनती को शुरू किया जाए ये भी बड़े अजीम मौाक़ हैं चौथी राय ये आई कि इस्लामी साल को शुरू किया जाए जब नबी करीम ने मक्का से मदीना हिजरत की ये भी बड़ा अजीम वाक़ है तो वहाँ से गिनती शुरू की जाए तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी को ये राय पसंद आई चुनाच सहाबा का इस पर इत्तेफाक हुआ कि इस्लामी तारीख़ इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा हिजरी से शुरू की जाए हिजरत से शुरू की जाए इसी वजह से इस्लामी साल को हिजरी साल भी कहा जाता है तो जिस साल नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की उस साल से इस्लामी कैलेंडर को शुरू किया गया और आज उस हिसाब से चौदह सौ चवालीस साल हो चुके ये जो नया साल आया है तो ये चौदह सौ चवालीस साल है इतना अरसा गुज़र चुका है अब इस्लामी कैलेंडर की इब्ता हुई है अमल से नबी करीम अलैहि वसल्लम की वलादत बहुत अज़ीम वाक़ है का काता करना ये बहुत बड़ा वाक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल अजीम वाक़ है लेकिन जो इस्लामी कैलेंडर की तारीख़ और इब्तदाई यह वो हिजरत से हुई है अमल से हुई है जिसके बारे में नबी करीम सरमाया तीन अमाल ऐसे हैं कि जिन के बारे में फ़रमाया कि वो उनकी वजह से अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते एक उनमें से इस्लाम है कोई आदमी अगर आ, किसी भी मज़ब में है किसी महब में था आ, इस्लाम के अलावा तो वो उस मजहब को छोड़ कर इस्लाम कबूल करता है तो ये इतना अजीम अमल है कि इस्लाम कबूल करने की वजह से उसके पिछले सारे गुना माफ़ हो जाते हैं अल इस्लाम यहदिम माँ का ना कब वल हज यह दि माँ का नबल हज की वजह से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और तीसरा अजीम तरीन अमल ये है कि वल हजरत यह दिम माँ का नबल हजरत करना हिजरत का मतलब ये है कि अल्लाह के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए दीन को फैलाने के लिए या अपने ईमान को दीन की हिफाजत के लिए आदमी एक इलाके को अपने वतन को मुल्क को घर बार को छोड़कर दूसरी जगह चला जाए तो उसे कहा जाता है हिजरत तो यह अजीम तरीन अमल है इसकी वजह से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते तो इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद ही अमल है ये इस्लामी साल की खसूसियत बुनियादी खसूसियत ये है कि इसकी बुनियाद किसी वाके पर नहीं रखी गई बल्कि अमल पर रखी गई इसके बरक्स ईसवी साल जो हमारा राइज है और हम यूज़ टू हैं उसके मामलत में जनवरी फरवरी के हिसाब से 2022 जो चल रहा है उसकी बुनियाद एक वाक़ है वो कैलेंडर किसी अमल की हमें तरगीब नहीं देता और किसी अमल पर हमें तैयार नहीं करता बल्कि एक वाक्य है आप देख लें कि ईसवी कैलेंडर को आप उसकी जो फहरिस्त होती है उसमें देखें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर इसकी इब्तदाई से हुई है और इसके अंदर ये ये इवेंट्स होंगे मिसाल के तौर पर जो है ना वो Uh, कौन सी छुट्टियां हैं कौन सी बैंक हॉलीडेज़ हैं कौन से दिन ऑफ़ हैं कौन से दिन जो है ना वो सेलिब्रेट करने के हैं कौन से दिन सालाना छुट्टियों के हैं uh, जिनके अंदर स्कूलों में ऑफ़ होता है ऑफिस में ऑफ़ होता है कौन सी छुट्टियाँ तो वहाँ पर सारी जो ईस्वी कैलेंडर है उसकी बुनियाद एक वाक़ है और उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो आ, अंदर जो कुछ शामिल है वो सारा का सारा इंजॉयमेंट पर मुश्तम है छुट्टियों पर मुश्तम है कौन से डेज़ दे, ऑफ़ हैं ये देखा जाता है जबकि इस्लामी कैलेंडर को अगर देखा जाए तो इस्लामी कैलेंडर के अंदर उसकी बुनियाद अमल है हिजरत का और उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये वाले दिन जो है वो ईद के हैं लेकिन ईद के पीछे फलसफा ये है कि अमल के बाद ईद होती है ये वाले दिन ईद के हैं ये वाले दिन जो है वो रमज़ान का पूरा महीना यह है ये अमल का महीना है हज का अज़ीम तरीन अमल इन इन दिनों में पाया जाता है नबी करीम वसल्लम हर महीने की तेरह चौदह पंद्रह तारीख को रोज़ा रखा करते थे नबी करीम सल्ला वल् हर वीक में दो दिन रोज़ा रखा करते थे तो इस्लामी कैलेंडर को अगर देखें उसकी बुनियाद देखें और उसके आमाल देखें तो उसमें सब कुछ जो है वो नज़र आएगा आमाल पर खलाम्ला शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया बारह महीने और उनमें से चार महीने हरमत वाले अहतराम वाले हैं अदब वाले हैं उनमें से वो चार महीने कौन से है? एक रजब है उसके बाद शवाल है जी, आ, उसके रजब है ज़िकाद है जिलहिजा है और महरम है ये चार महीने ज़्यादा अदब वाले हैं ज़्यादा अहतराम वाले अभी जो महरम का महीना चल रहा है तो मुहरम का महीना महरम का महीना भी उन्हीं अशोर हरम में से है और बाकी जो महीने हैं उन महीनों के अंदर भी अदब का एहतराम का जो अब तक है और मुहर्रम तो ऐसा है कि इसके लफ्ज़ के अंदर ही ये बता रहा है कि ये अदब वाला एहतराम वाला और अज़मत वाला महीना है ये महीना भी अमल सिखाता है हमें इसका बिलखसूस जो दस महरमुह हराम होता है जिसे योम आशूर कहते हैं तो योम आशूर का रोज़ा रखा जाता है नबी करीम अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो वहाँ पर देखा कि यहूद ने रोज़ा रखा हुआ है तो पूछा कि क्या वजह है क्यों रोज़ा रखते हैं तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने बने इसराइल को और हज़रत मलातुम को फिराउन से निजात अता की थी इसलिए हम शुक्र के तौर पर रोज़ा रखते हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हम हज़रत मसलसलाम के ज़्यादा हक़दार हैं ज़्यादा मानने वाले हैं हम उन पर ईमान लाने वाले हैं तो लिहाज़ा हम ज़्यादा इसके हकदार हैं कि हम भी रोज़ा रखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दस मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए और फरमाया कि चूँकि यहूद एक रोज़ा रखते हैं तो लिहाजा हमें चाहिए कि दो रोज़े रखें नौ और दस का रोज़ा रखें या दस और ग्यारह का रोज़ा रखें तो मुहरम का महीना जो अभी गुज़र रहा है अभी शुरू हो रहा है तो उसकी दस तारीख को रोज़ा रखना ये भी अमल है और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़ज़ीलत के बारे में फ़रमाया जो कोई दस महरम का रोज़ा रखे योम आशूर का यम आशूर का रोज़ा रखे तो उसके एक साल के गुनाह माफ़ किए जाते और इसके अलावा इसके बारे में एक हदीस में रिवायत में ये आता है कि जो कोई योम आशूर को ज़ाहरा रोज़ा रखे लेकिन रोज़ा रखने के बाद जो इफ्तारी का टाइम होता है उसी वक्त अमल किया जा सकता है अपने अयाल पर वसअत करे यानी अच्छा खाना उनको अता करे और अच्छा खाना उन्हें दे आम रोटीन से हट कर तो उसकी वजह से अल्लाह ताला पूरा साल उसकी रोज़ी में बरकत फ़राख़ी अता फ़रमाते हैं उसके अंदर गुरबा को भी शामिल कर ले दूसरे लोगों को भी दे तो अल्लाह की तरफ़ से बरकत आएगी तो ये आमाल जो मुहर्रम के बारे में तो पूरा इस्लामी महीना और इस्लामी जो कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर उसकी बुनियाद भी अमल है और उसके अज्जा भी अमल है आप देखें कि चाहे मुहर्रम हो और उसके बाद आगे रबी लवल का महीना आता है रबी अव्वल का महीना हमें नबी करीम अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बतलाता है कि आप अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा क्या थी आपकी ज़िंदगी हमें आ, क्या रहनमाई करती है कैसे आपकी ज़िंदगी के आ, शब रोज़ थे कैसे हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की आपका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक था मखलूकात के साथ आपका क्या रवैया था तो ये सारी चीज़ें रबी अल्वल का महीना हमें यह बतलाता है कि हम नबी करीम सल्ह वसम की सरत को अपनाएं रबी अल्वल और जो है वो उसके अलावा रमज़ान के महीना तो पूरा का पूरा इबादत है क्याम है और जो है वो रोज़े हैं उसके अंदर है उसके अंदर हज के महीने तीन महीने तो हज के हो जाते हैं तो इस्लामी कैलेंडर की आप बुनियाद देखें हिजरत है उसके अंदर अदब वाले महीने जो है वो चार महीने ज़्यादा अहतराम वाले वो चार महीने हैं उसके अंदर एक महीना रमज़ान कहा जाता है जो तो शरापा इबादत है उसके अंदर तीन महीने जो है वो हज के आ जाते हैं जो है ना उसके अंदर हज किया जाता है उसके अंदर उसके अलावा नबी करीम वसल्लम की नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो हर महीने के अंदर आप तेरह चौदह पंद्रह को रोज़ा रखा करते थे तो इससे मालूम ये हुआ कि इस्लामी महीने की बुनियाद इस्लामी महीने के अज्जा वो सारे के सारे आमाल पर हैं आमाल की हमें दावत देते हैं कि हम अमल के लिए आगे बढ़ें तो इसलिए ये नया साल हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने हमें अता किया है तो इसके अंदर हम तहिया करें कि हम जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर उन अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की उन्हें कोशिश करेंगे अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे अब बुनियादी तौर पर देखें जो ईसवी कैलेंडर है या जो मग़रब का तस्वुर है वो ये है कि ज़िंदगी इंजॉयमेंट करने का नाम है ज़िंदगी इंजॉय करो और मुख्तर वक्त अब कहा जाता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम इस जिंदगी दुनिया के अंदर आए हैं लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम आ, दुनिया की ऐश को हासिल करने वाले बने इस्लाम ने यह नहीं कहा इस्लाम ने यह कहा खलक़ल मोता व हयात अबलकुम अयुकुम अहसन वमल कि अल्लाह ताला ने ये जो मोत हयात का निज़ाम बनाया है कोई आदमी इस दुनिया के अंदर आ रहा है कोई जा रहा है और एक वक्त मतिन के लिए आता है और इस ज़िंदगी में रह कर फिर इस दुनिया से चला जाता है तो ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं है बल्कि ये तो एग्ज़ाम हाल में है अयुकुम अबलकुम वामला अल्लाह ताला तुम्हें जांचना चाहते हैं तुम्हारा टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन अच्छे अमल करके आ रहा है कौन अच्छे अमल करता है तो लिहाज़ा पहला तो कॉन्सेप्ट ही हमें क्लियर करना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जो हम आए हैं ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं आए बल्कि ट्रस्ट के लिए आए इंजॉयमेंट आगे शुरू होगी मरने के मरने के बाद इंजॉयमेंट शुरू होगी तो इसलिए इस्लामी साल का तकाजा ये है कि हम अहकाम के लिए आमाल के लिए अपने आप को तैयार करें और शुरू से ही मुहरम का महीना एहतराम वाला अदब वाला महीना से इब्तदा होती है इस्लामी साल की तो सबसे पहला अमल ये जो योम आशूर का है ये अमल हम करने की कोशिश करें आगे बढ़ने की और नबी करीम वसल्लम ने जैसा कि हिदायत फरमाई कि योम आशूर का रोज़ा रखा जाए और उसके साथ नवीं और दसवीं का या दसवीं और ग्यारहवीं का रोज़ा रखा जाए दो दिन रोज़े रखे जाएँ और एक हदीस में अंदर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा वो मुहर्रम का रोज़ा है रमज़ान की फजीलत तो है हम जानते हैं सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले ईमान रमज़ान के रोज़े रखते हैं अच्छी तरह जानते हैं उसके बाद सबसे अफजल तरीन रोज़ा वो मुहर्रम का रोज़ा है तो लिहाजा इस रोज़े को रखने की कोशिश करें ताकि हमारे साल की इब्तदा ही अमल से हो उसके अलावा एक और बात भी यह है कि रमज़ान से पहले यही रोज़ा फ़र्ज़ हुआ करता था तो इब्तदाई इस्लाम के अंदर अहकाम चूँकि तदरीज के साथ आएँ स्लोली स्लोली आएँ तो पहले ये आशूर का रोज़ा फ़र्ज हुआ करता था अहल ईमान वही रोज़ा रखा करते थे फिर जब आ, व, जब रमज़ान फ़र्ज हुआ रमज़ान की फर्जियत हुई तो आशूर का रोज़े की फर्जियत ख़त्म हो गई ज़ाहिर लेकिन उसकी आ, सुन्नत होना और पसंदीदा अमल होना बहरहाल है तो लिहाजा इस, इस इस्लामी साल का तकाजा ये है और महरम के अदब का एहतराम का तकाजा ये है कि हम इस दस महरम का रोज़ा रखें जिसे योम आशूर कहा जाता है इस दिन ताकि हमारा साल की इब्तदाई हुक्म के साथ हो अताद के साथ हो उसकी बरकत से पूरा साल अल्लाह ताला में तोफ़ी के फरमाते हैं जैसा कि बड़ा मशहूर भी है कि आदमी की इब्तदा अच्छी होनी चाहिए इब्तदा जब अच्छी होगी तो उसके बाद आ, बा, बाकी अमल भी आ, जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह की तोफ़ी से अच्छा होगा तो इंशाल्लाह इसी पर हमारा ये प्रोग्राम आ, इस्लामी साल के बारे में चलता रहेगा अभी जो है वो एक मुख्तर से ब्रेक के बाद आ, हम वापस हाजिर होंगे तो तब तक हमारे साथ रहिएगा रहिएगाक वही वर्काकुम वहमतुल्लि वरक वेलकम बैक इन प्रोग्राम ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन हमारा प्रोग्राम चल रहा है इस बात पर कि कैसे हम इस्लामी साल का इस्तकबाल करें कैसे हम इस्लामी साल का आगाज़ करें क्या क्या हम आमाल करें और कैसे हम अपने वक्त को कीमती बनाएं। उसके अलावा ये इस हिस्से में आ, हमारा प्रोग्राम जैसा कि लाइव चल रहा है इन आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी अगर आपका कोई सवाल हो या मौजू के मुतल कोई बात पूछनी हो या इसके अलावा शरी मसाइल के मुतल कोई बात पूछनी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं इन शाम हम सब मिल कर उस पर बात करेंगे और जिस हद तक रहनुमाई हो सकी तो रहनमाई करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी में आने वाला ये एक और कीमती साल ये कीमती बन जाए तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ईसवी साल और इस्लामी साल में बुनियादी फ़र्क वो इसके मेन कॉन्सेप्ट का है बुनियादी तसुर का है ईसवी साल ने जो तसुर दिया है वो ये है कि ज़िंदगी एक इंजॉयमेंट का नाम है ज़िंदगी खुशी मनाने का नाम है जबकि इस्लाम ने जो तसुर दिया है जो अकीदा दिया है जो रहनमाई दी है वो ये है कि ज़िंदगी वो ख़ुशी मनाने का नाम नहीं है ज़िंदगी एक इम्तिहान का नाम है ज़िंदगी एक टेस्ट का नाम है अल्लाह ताला ने इस जिंदगी के अंदर इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी देकर भेजा है ये आजमाइश के लिए भेजा है जी हमारे कॉल है, तो उनसे बात करते हैं। जी, बरकातु। मुझे आपसे पूछना था, मैं बीमार हूँ भीड़ चीर मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता लेकिन मैं कुछ वजीफा पढ़ना चाहती हूँ जो बैठ के हर वक़्त पढ़ सकूँ क्योंकि मेरे दिल में बहुत परेशानी गम सैडनेस इस किस्म की चीजें हैं शैतानी हैं तो मुझे बताएं कि मैं कौन सी छोटा सा वजीफा बताएं जो हर वक्त पढ़ सकूं अल्लाह मियाँ मेरे दिल को चैन और सुकून दे अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए आपको सेहत आफ़ियत और राहत अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक जो आप पर परेशानियाँ उन पर सब्र करने की और दुनिया और आख़रत में आपको उसका अजर अता फ़रमाए उसके लिए दीन के अंदर और कुरान और हदीस के अंदर मुख्तलिफ आमाल हैं मुख्तलिफ मौाक़े पर मुख्तलिफ रहनुमाई की गई है तो उसका आसान हल ये है कि आप दरुद शरीफ पढ़ा करें दरुद शरीफ पढ़ने से आदमी की परेशानियां दूर होती हैं और जो है वो उसको राहत मिलती है आराम मिलती है एक हदीस के अंदर है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने औराद और वज़ाइफ का आधा हिस्सा जो है वो आप पर दुरूद के लिए खास कर दूँ वन थर्ड एक तिहाई आपके दुरूद के लिए ख़ास कर दूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छी बात है दरुद के लिए अगर तुम ये करो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर ज़्यादा करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अच्छी बात है उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने वज़ायफ़ और औरात का आधा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी बात है लेकिन अगर ज़्यादा करो तो अच्छा है तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह में दो तिहाई दो थर्ड अगर शरीफ के लिए ख़ास कर लूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा है लेकिन अगर ज़्यादा करो तो और ज़्यादा अच्छा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वर्द और वजीफ़े का सारा टाइम वो आप पर दरुद भेजने के लिए ख़ास कर दूँ तो कैसा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तब तो बहुत ही अच्छा है और इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम ग़मों को परेशानियों को दूर कर देंगे तो इसलिए आप दुरूद शरीफ का अहतमाम करें और उसके अलावा ये है कि लाउल क़वत अला बिल्ला ये भी हदीस के अंदर वजीफ़ा बताया गया है कि ननानवे बीमारियों की शिफा है इसके अंदर तमाम परेशानियाँ गम दुख दर्द इसकी बरकत से अल्लाह ताला दूर फरमाते हैं और फ़रमाया सब से कम तरीन दर्जा ये है कि इसकी वजह से आदमी की परेशानी गम और टेंशन वो ख़त्म हो जाती है जैसा कि एक बड़ा मरज़ है और बीमारी है हर किसी को बीमारी है और परेशानी है और मुसीबत के अंदर मुबतला है तो लाह इल्ला बिल्ला पढ़ने की कोशिश करें उसके अलावा ये है कि सूरह नास पढ़ना कुरान करीम की आखिरी सूरत जब भी आपको कोई वसवसा आए और जो आप परेशानी हो तो उस सूरत को पढ़ें उसके अंदर जो है वो शैतान से और शैतानी वसवास से बड़ी हिफाजत है मिन मिनशर्रवासवासन्नासदी सदूरन्नासम तुझ से ये सवाल करता हूँ कि तू मेरी शैतान से हिफाजत फरमा और शैतान के ववसों से हिफाजत फरमा जो मेरे जो इंसानों के दिलों में शैतान आकर वसवसें डालता है उससे हिफाजत फरमा तो बतौर ख़ास इस सूरत का एहतमाम करें तो एक ही है कि दरुद शरीफ जितना हो सके आसानी के साथ कोई कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं अल्ला महमद पढ़ सकते हैं अल्हल आहमदिन नबीमला वसाब वसली तस्लिमा पढ़ सकते हैं नमाज वाला दरूद पढ़ सकते हैं जो भी दरूद आसानी से पढ़ सकें वो पढ़ें लाह क़ुत अ पढ़ें और उसके साथ सूरा नास की तिलावत करें कसरत से उसको पढ़ें जब भी शैतानी वसवस आए तो सूर्य नास को कुरान करीम की जो आखिरी सूरत है उसको पढ़ें तो इन शाला आपकी सारी परेशानियाँ हल होंगी अल्लाह ताली आपकी परेशानी को दूर फरमाए से फरमाए और भी जितने हमारे नाज्रीन सामीन हैं या जितने मुसलमान अहल ईमान दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं वो परेशानी में मुबतला हैं या मुसीबत में हैं या आ, और भी जितनी भी उनको तकलीफ़ें उन सब तकलीफ़ों अल्ला से अल्लाह ताली उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें सेहत आफ़ियत अतः फ़रमाए तो नाजरीन आ, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस्लामी साल और दूसरे साल का बुनियादी तसुर ये है कि इस्लामी साल की बुनियाद अमल से है दूसरे साल की जो ईस्वी साल है जैसा हमारे यहाँ मुरज है उसकी बुनियाद एक वाक़े से है और इस्लाम ने जो ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर दिया है और जो रहन की है वो ये है कि ये ज़िंदगी तुम्हारे पास अमानत है और ये ज़िंदगी जो है वो इंजॉयमेंट के लिए नहीं है ये ट्रस्ट के लिए तो इसलिए इस ज़िंदगी के हर हर लम्हे को हम कीमती समझ कर गुजारने वाले बन जाएँ और हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है अगर हम उसको सही तरह बनाने वाले बन जाएंगे तो ये हमारी ज़िंदगी बन रही है वरना हमारी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है तो मगरब ने और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तस्वूरत हैं उन्होंने ये तस्वुर दिया है कि ज़िंदगी मनाने का नाम है कभी जो है वो यही वजह है कि जब दूसरा साल आता है तो पूरी दुनिया के अंदर साल मनाया जाता है उसकी खुशी मनाई जाती है आतशबाज़ी की जाती है फायरवर्क्स किया जाता है और बहुत खुशी का इज़हार किया जाता है कि छुट्टी की जाती है ताकि नए साल को हम मनाने वाले बने इस्लाम के अंदर ये नहीं है अब देखें इस्लामी साल आया है किसी को पता ही नहीं है ते मुसलमानों को भी नहीं पता कि इस्लामी साल कब शुरू हुआ है मजमुई तौर पर सबको नहीं पता कि इस्लामी साल कब शुरू हुआ है कब ख़त्म हुआ कोई पता नहीं है वजह क्या है कि इस्लाम के अंदर साल मनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि साल बनाने का साल ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का हर हर लम्हा बनाने का हुक्म है कि हर लम्हा हम शरीयत के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताक़ नबीकर सल्ह्स की रहनुमाई के मुताबिक और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बनाने वाले बन जाए अगर हमने पूरा किया तो वो हमारी ज़िंदगी का हर हर लम्हा बन रहा है जैसे कि हज़रत अबू बकर रज़ी का फरमान है कि उस लम्हे पर रो के जो तेरा लम्हा अल्लाह की याद के बग़ैर गुज़र गया तो इसलिए हमें इसकी बारे में फ़िक्र करनी चाहिए अभी से हमें फ़िक्र जैसा कि हम दुनियावी तौर पर अपने टारगेट बनाते हैं हर साल जब शुरू होता तो एक टारगेट है उसको हमने अचीव करना है इसी तरह इस्लामी साल जब शुरू हो तो हम अपने टारगेट बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें यही वजह है कि किमा ने फरमाया है कि इस्लामी साल और इस्लामी महीनों का इल्म रखना और इनके बारे में जानना फ़र्ज़ किफाया है फ़र्ज़ किफाया का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जो ये जिनको ये पता हो कि कब इस्लामी साल शुरू हो रहा है कब इस्लामी महीना शुरू हो रहा है क्योंकि हमारी सारी शरीयत का ताल्लुक शरीयत के सारे अहकाम का ताल्लुक इस्लामी साल से है और इस्लामी महीनों से तो इसलिए अभी से हम जो है वो आ अपने टारगेट रख लें क्योंकि शरीयत के तमाम अहकाम का ताल्लुक इस्लामी साल से मिसाल के तौर पर मैं ये एक मसाल देता हूँ कि हज करना है तो हज हमने जो है वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में नहीं करना हज का महीना झलहजा का महीना है तो ज़िलिजा में हाज करेंगे तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कब इस्लामी साल शुरू हो रहा है और कब जो है वो ज़िलजा आ रहा है ताकि हम हज के लिए तैयारी कर सकें रमजान है वो रोज़ों का महीना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए तो लिहाजा इस्लामी साल के बारे में हमें जानना चाहिए और उसके बारे में अपने टारगेट रखे मिसाल के तौर पर यह है कि अगर हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ है तो अभी तो हज का महीना गुजर गया अभी रिसेंटली हज आ, का महीना ख़त्म हुआ हज के अजाम ख़त्म हुआ अब अगले साल में हम अभी इस मौके पर अगर हमने हज के बारे में सुना हज के बारे में मालूम हमें हासिल हुई हज की फ़र्जियत का पता चला तो इस साल के शुरू में हम अपना टारगेट बनाए कि इन साल हज के लिए जाना है उसकी तैयारी साल के शुरू से ही कर ले जितने इसबाब होते हैं जितना और मामलात होते हैं उनको सेट करने की अपनी छुट्टी के लिए कोशिश करने की ताकि हम इस साल के अंदर हज करने वाले किसी ने हज का टारगेट बनाए उसके अलावा ये है कि जक़़त जो होती है वो भी इस्लामी साल के हिसाब से होती है हमारा बिज़नेस और हमारी जॉब हमारी सारी चीज़ें वो तो ईस्वी साल के हिसाब से होती हैं क्योंकि जब हम उनके साथ चल रहे हैं उसके साथ चल रहे हैं उसी के हिसाब से दुनिया का अक्सर हिस्से में निज़ाम सिस्टम बिज़नेस चल रहा है तो वो ठीक है लेकिन ज़कू़़त हमने इस्लामी साल के हिसाब से देनी है कि जो भी महीना है मिसाल के तौर पर मुहर्रम है या शवाल है या अक्सर लोग रमज़ान के अंदर जो है वो ज़क़़़़़त अदा करते हैं तो ज़कूत इस्लामी महीने के हिसाब से तो ज़ुकआ़़़़त का हमें हिसाब रखें और उसके अलावा यह है कि हमने इस साल के अंदर मसाल के तौर पर रबी अलवल का महीना आता है तो हमने सीरत की किताबों का मताल करना है और भी जितने शरीत के आकाम आते हैं तो उसके ऊपर हम अभी से जैसे कि हमारी डायरी होती है जनवरी फरवरी के हिसाब से ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी के हिसाब से जो डायरी है या हमारे पास खुद मोबाइल फ़ोन के अंदर आ, हमारे प्रोग्राम होते हैं रिमाइंडर होते हैं हमने वहाँ पर लिखे हुए होते हैं इसी तरह हम अभी से एक डायरी बना लें या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ही रिमाइंडर लगा दें कि हमने इस साल के अंदर ये टारगेट अचीव करना है हमने इतने, इतने मिसाल के तौर पर कुरान का इतना हिफ्ज करना है कुरान के इतने हिस्से की मैंने तफसीर पढ़नी है कुरान के जो है वो इतने हिस्से को मैंने तरजमे के साथ पढ़ना है मैंने हदीस की कोई बुक पढ़नी है माना मफहूम के साथ पढ़नी है मैंने फिका की कोई किताब पढ़नी है और भी जितने शरीयत के मज़ामीन हैं याकाम है हमें उनको सीखने की कोशिश कर अभी से आदमी जो है वो अपने टारगेट बना ले ताकि साल के अंदर उनको अचीव करने की कोशिश करें ज़माना और वक्त के अंदर तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं और तीन ज़माने ही होते हैं जैसा कि एक माजी है पास्ट जिसे कहते हैं दूसरा जो है वो हाल है जिसे प्रेजेंट कहते हैं और तीसरा मुस्तकबिल है जिसे फ्यूचर कहते हैं तीनों ज़मानों के बारे में शरीयत के अहकाम और रहनुमाई मौजूद है माजी के बारे में क्या है माजी के बारे में फ़रमाया कि मुहासबा का हासीबू क़बान तो तुहासबु अपना मुहासबा करो कबल इसके तुम्हारा हिसाब किया जाए आख़रत के अंदर अल्लाह के सामने तुम्हारा हिसाब होना है ज़िंदगी के एक एक लम्हे का वहाँ पर जवाबदेह होना है उससे पहले पहले यहाँ पर अपना हिसाब कर दो अपना मुहासबा कर लो अगर यहाँ पर हम मुहासबा करने वाले बन जाएँ तो हमारा वक्त बहुत आ, उमदा गुज़र सकता है हमारी ज़िंदगी बन सकती है हमारा एक एक लम्हा साल का महीने का दिन का और वक्त का एक एक लम्हा कीमती बन सकता है जब हम मुहासबा करने वाले बने मुहासबे का मतलब ये है कि अपने आप से हिसाब लेना जो पिछला साल गुजरा है चौदह सौ फोटीन फोटी थ्री जो गुज़रा है तो वो वो साल कैसे गुजरा है वो साल कैसे गुजरा है उस साल के अंदर हमने आ, कैसे आ, दिन गुज़ारे हैं कैसे शाम गुज़ारी है कैसे जो है वो हमने तो हम उसका मुहासबा करने वाले बन जाए तो अगर हम मुहासबा करेंगे तो फिर ये वाला साल और ये वाला वक्त हमारा कीमती बनेगा तो एक ये है शरीयत ने रहनुमाई की है कि अपना मुहासबा करो और दूसरा ये है कि हाल के अंदर जो मौजूदा वक्त गुजर रहा है तो हम उस वक्त के अंदर अमल करने वाले बन अमल की बेशुमार जो है वो तरगीब दी गई है कुरान में हदीस में नबी करीम वसल्लम के अमल में सीरत में ये रहनमाई की गई है कि अमल करो वक़ुल मलू फसैरल्लकू अमल करो हर वक्त अमल की फ़िक्र में लग जाओ और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अमल को नेक अमल को मामूली समझकर छोड़ो नहीं और किसी बुरे अमल को मामूली समझकर करो नहीं क्योंकि नेक अमल मुख्तसर हो सकता है शॉर्ट हो सकता है छोटा हो सकता है लेकिन अजर के अतबार से बहुत बड़ा है इसी तरह बुरा अमल देखने में तो छोटा नजर आएगा लेकिन सजा के एतबार से इंजाम के एतबार से बहुत बुरा है। तो जो हमारा वक्त गुजर रहा है मौजूदा वक्त है तो हम उसके अंदर अमल की कोशिश करें हमारे साथ एक कॉल है, उनको साथ शामिल करते हैं जी असल जी। जी, मैंने पूछा था जैसे हम इशराक नजर की नमाज के बाद या इश्जा की नमाज के बाद इशराक की नमाज होती है जी जी। और उसके बाद हम इशराक की नमाज के बाद कितनी देर के बाद पढ़ सकते हैं अच्छा चाश्त की नमाज ठीक है अच्छा, आपने सवाल पूछा है कि इशराक की नमाज कितनी देर में बाद पढ़ सकते हैं और उसके बाद चाश्त की नमाज कितनी देर बाद पढ़ सकते हैं तो इशराक की नमाज ये है कि जब सूरज तुलु हो जाए टाइम टेबल पर लिखा हुआ होता है सनराइज़ उसके बीस मिनट बाद उसके बीस मिनट बाद चाश इशरा की नमाज पढ़ी जा सकती है और पढ़नी चाहिए दो रकात या चार रकात इशरा की नमाज और उसके बाद तकरीबन जो है वो दो घंटे बाद आज के हिसाब से आज के दिनों में चूँकि दिन थोड़े लंबे होते हैं तो तकरीबन डेढ़ दो घंटे बाद जब जो है वो सूरज अच्छी तरह बुलंद हो जाए तो उसे चाश्त की नमाज़ कहते हैं दुहा कहते हैं तो वो पढ़ी जा सकती है तो ये नमाज़ों का टाइम है अल्लाह ताला हम सब को अमल की तोहफ़ी के फरमाए तो मैं बात ये कर रहा था कि इस्लाम ने हमें तीनों औकात के बारे में रहनुमाई फरमाई है एक ये है एक ये है कि जो है वो माजी के बारे में हम मुहासबा करें करें, करेंकाउंटेबिलिटी करें कि अपने बारे में सोचें कि हमने जो वक्त गुजारा है जो हमारा पिछला वक्त गुजरा है हमने उसके अंदर कितना शरीयत के अहकाम को पूरा किया ताकि हमारा ये वक्त और दूसरा यह है कि जो प्रेजेंट हमारा चल रहा है उसके अंदर हम अमल की कोशिश करें एक हदीस के अंदर फरमाया किमल करो क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो उस फकर का जो हर किस्म जो बुला देने वाला हो यानी आदमी की अभी हालत माली हालत फाइनेंशियली हालत ठीक है अगर ख़ुदा न खास्ता फकर आ गया तो फकर की वह फकर का मतलब तंग दस्ती माली कमज़ोरी आ गई और जो है वो माल खत्म हो गया तो उसकी वजह से आदमी भूल जाता है तो फक्र फ़्रमशन क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो ऐसे फक्र का जो हर चीज़ को भुला दे ऐसा ना करो उससे पहले पहले अमल करो या जो है वो तुम ऐसे गिन का इंतज़ार कर रहे हो कि जो आदमी को सरकशी में मुबतला कर दे जब आदमी की हालत एक नॉर्मल हालत में होता है तो वो आ, अमल कर सकता है लेकिन अगर खुदा न खास्तः ऐसा माल आ जाए बहुत ज़्यादा माल आ जाए तो उसकी वजह से बाज़ अवत इंसान सरकशी में मुबला हो जाता है उस वक्त अमल नहीं कर पाता लिहाजा उससे पहले पहले अमल कर लो ताकि तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मज़बूत हो जाए और उसके बाद अगर तुम्हारे पास माल आएगा तो वो सरकशी का ज़रिया नहीं होगा वो अल्लाह के साथ ताल्लुक का ज़रिया होगा तो क्या तुम ऐसे फ़क्र का इंतज़ार कर रहे हो जो सब कुछ बुला दे या ऐसी मालदारी का इंतज़ार कर रहे हो जो सरकशी में मुबतला कर दे या क्या जो है वो तुम ऐसे बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो जो आदमी को लागर करके रख दे आदमी सेहत की हालत में तो अमल कर सकता है नमाज़ भी पढ़ सकता है और जो है वो हज भी कर सकता है रोज़े भी रख सकता है दूसरों की हेल्प आउट भी कर सकता है बहुत से अमाल कर सकता है लेकिन अगर आदमी बीमार हो गया तो वो खुद मदद का मोहताज हो गया वो क्या अमल करेगा वो कोई अमल नहीं बल्कि एक बंदा चाहिए होगा जो उसकी मदद करेगा जो उसकी हेल्प करेगा तो उससे पहले पहले अमल कर लो क्या तुम मौत का इंतज़ार कर रहे हो जो मौत आकर रहनी है और उसका एक लमहे की ताखिर नहीं है क्या उसका इंतज़ार कर रहे हो और फरमाया कि नबी अलैहि वसल्लम ने कि क्या तुम जो है वो दाल का इंतज़ार कर रहे हो वो सबसे बुरी चीज़ है जो इस उम्मत पर आएगी और उस वक्त अमल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा तो उससे पहले पहले अमल कर लो और क्या तुम आ, क्यामत का इंतज़ार कर रहे हो और क्यामत तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है और सबसे ज़्यादा बिटर और कड़वी चीज़ है जो इस आ, दुनिया के अंदर आएगी तो कियामत से पहले इन बड़ी बड़ी आफात से परेशानियों से पहले पहले अमल कर तो लिहाजा अमल का मौक़ा हमारे पास ए, ए जो है वो अभी है बड़ी ख़ूबसूरत किसी ने बात कही है कि माजी जो है वो निकल गया है हाथ से उसके बारे में अब मुहासबा तो हो सकता है उसके बारे में अमल नहीं हो सकता मुहासबा किया जा सकता है और मुस्तबिल का कोई पता नहीं है किस के अब मिलेगा यानी एक ये जो हाल है प्रेजेंट है इसको गनीमत समझो और इसके अंदर अमल करो तो लिहाजा इस जो प्रेजेंट अल्लाह ताला ने हमें दिया है यही हमारे पास है और ये इस वक्त को हम अमल के अंदर लाने की कोशिश करें और दूसरा ये है कि जो फ्यूचर आ रहा है उसके लिए प्लानिंग करें तो कि हमने इस साल के अंदर कौन कौन से टारगेट बनाए और उन टारगेट को अचीव करना है तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें एक और इस्लामी साल अता किया है आ, ये हम जिंदगी को तो काउंट करते हैं अपनी ज़िंदगी को हम काउंट करते हैं साल के हिसाब से लेकिन अल्लाह के यहाँ जो हमारी ज़िंदगी है वो साल के हिसाब से नहीं है कि इस आदमी ने इतना साल जीना है अल्लाह के यहाँ और तकदीर में हमारी ज़िंदगी सांसों के हिसाब से है तो एक एक सांस जो हमें मिल रहा है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नहमत है तो अल्लाह ताला ने एक साल हमें अता किया, करे ये साल हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत का तात का और शरीयत के मुताबिक ये साल हमारा हो और हम इसके अंदर वो वाले अमाल करें जो अल्लाह ताला की रज़ा वाले हों अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और इसके अंदर अल्लाह ताला हमें हर किस्म की परेशानियों से दुखों से महफूज फरमाए वालेकुम वरम वर्क